इंसान को जहाँ चाह की इंतहा होती है, वहाँ एकलव्य को किसी द्रोणाचार्य की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। कुछ ऐसी ही उपलब्धि खरगोन जिले के बड़वा नगर की ईशान पिता नितेश अग्रवाल की भी है। ईशान द्वारा जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त करते हुए कड़ी मेहनत के बल पर देश के टॉप 5 आईआईटी में एक ऐसे आईआईटी कानपुर में प्रवेश प्राप्त कर अपनी माता पिता व नगर का नाम गौरवान्वित किया है। जी हाँ, अगर इंसान मन में कुछ करने की चाह रखना चाहे तो राह में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे वह आसानी से पार कर लेता है। ऐसा ही किया है खरगोन जिले के बड़वा नगर में रहने वाली ईशान ने, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर सफलता का परचम लहरा दिया है। ईशान द्वारा अपनी इस उपलब्धि के लिए किसी कोचिंग संस्थान की सहायता नहीं ली गई, मात्र सेल्फ स्टडी करके यहाँ की सफलता पाई है। ईशान शुरू से ही पढ़ाई के प्रति जवाबदार रहा है। ईशान ने अपने मन को पढ़ाई पर केंद्रित कर इच्छाओं को मारकर एक साधक की तरह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की है। ईशान की इस उपलब्धि पर इष्ट मित्र, शुभचिंतक, गुरुजनों आदि ने हर्ष व्यक्त कर बधाइयां दी व उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस उपलब्धि के लिए पिता ने कहा कि उन्हें इसके लिए बहुत ही खुशी है। बहुत खुशी हुई है मुझे कि मेरे बच्चे का यही एडवांस में चयन हुआ है और उसका देश के टॉप 5 आईआईटीज में से एक आईआईटी कानपुर में उसे प्रवेश मिला है। और इस पर मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे ने जो अपनी मेहनत थी वो उसे सफलता मिली। और साथ ही साथ जो है सभी लोगों का आशीर्वाद जो बड़ों का था वो भी उसे प्राप्त हुआ, इसी कारण वो आईआईटी कानपुर पहुंच पाया। आगे अपने बच्चे से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो खूब अच्छा पढ़े और आईआईटी में भी जिस तरह से यहाँ उसने अभी अपना निमाड़ का नाम रोशन करा है, आगे आईआईटी में भी जो है उच्च शिखर पर पहुंचकर हमारे निमाड़ के साथ साथ ही अपने पूरे जो है बड़वा कस्बे का और साथ ही साथ माता पिता व सभी के नाम को इस ऊँचाई पर ले जाए कि लोग ईशान अग्रवाल को एक सम्मानजनक नज़र से देखें। वही कानपुर में मिला प्रवेश, ईशान ने कहा कि उन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रवेश के लिए दिन रात मेहनत की है, तब जाकर उन्हें ये सफलता मिली है। मैंने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी ही की क्योंकि कोचिंग में सारे टॉपिक्स इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, परंतु मेरे कुछ टॉपिक्स पड़े हुए थे तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मुझे पता था कि मैं खुद अपने हिसाब से सोच समझ करके करूँगा तो मैं कर पाऊँगा, तथा माता पिता ने भी लगातार मुझे प्रोत्साहन दिया, इसके कारण मैं कर पाया। जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की वह आखिर में जाकर के सफल हुई तथा मेरा देश के टॉप 5 आईआईटीज में पढ़ने का सपना पूरा हुआ और मैं आईआईटी कानपुर अब जा रहा हूँ। जी, मैं कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक इंदौर के एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल का छात्र रहा हूँ तथा उसके पश्चात बड़वा शिफ्ट हुए तो मैंने सेंट मेरी से अपनी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है। जी, बस यही है कि अब आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है तो कॉलेज में भी इतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ ताकि अपना बड़वा क्षेत्र तथा संपूर्ण निवाड़ क्षेत्र का भी नाम हो तथा मेरे माता पिता का सर ऊँचा हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मेहनत करने वाला कभी भी पीछे नहीं हटता है। अगर सच्ची इच्छा से काम किया जाए तो कभी भी सफलता के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।